हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एग्री आई यू सो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में सॉयल साइंस का ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू में आए हुए पेपर डिस्कस कर रहे थे हमने उसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी सॉल्व किया यह लेक्चर उसी कंटिन्यूएशन में है जिसमें हम लोग प्रॉब्लमेटिक सॉयल एंड डयर मैनेजमेंट में ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी टू में आए हुए पेपर का पार्ट सी एंड पार्ट डी सॉल्व करने वाले हैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने पार्ट ए एंड पार्ट बी सॉल्व नहीं किया है प्लीज़ गो टू द प्रीवियस लेक्चर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक टू माई वीडियोज़ थैंक यू सो मच स्टार्ट करते हैं पार्ट सी से सो पार्ट सी में हमारा पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सलाइन ऑयल एंड एल्कलाइंस ऑयल तो ये सॉयल साइंस का सबसे बेसिक क्वेश्चन है इससे ज़्यादा ईजीएसट क्वेश्चन आपको दो नंबर में नहीं पूछा जा सकता है है ना इसमें आपको जो बेसिक सॉइल है और एल्कलाइंस ऑयल है है ना मतलब कि एसिडिक एसिडिकसइल है उन दोनों के बीच में आपको सिर्फ डिफरेंस बताना है सो बेसिक डिफरेंस क्या है ये आपको पता ही है जैसे तो कि हो गया हमारे पी का है ना आपको पता है कि जो एसिडिक सॉइल होता है उसका पीएच होता है लेस देन सेवन बेसिक सॉइल का होता है मोर देन सेवन ठीक है फिर आप देख सकते हैं ई के लिए तो मैंने बताया था लेस देन फिफ्टीन मोर देन फिफ्टीन ओके फिर आप देख सकते हैं इसमें कलर का डिफरेंस देख सकते हैं क्रॉप्स फेवरिंग का डिफरेंस देख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू जो कि है वाई एसिडिक सॉइल आर फाउंड इन हाई रेनफॉल एरियाज़ जो एसिडिक सॉइल होते हैं वो हाई रेनफॉल एरी वाले एरियाज में क्यों पाए जाते हैं तो हमने पार्ट बी में क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जो हाई रेनफॉल कारण एसिडिक सॉयल कैसे फॉर्मेट होता है तो वहाँ पे भी मैंने आपको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था अगेन मैं आपको बताती हूँ रेनफॉल इज नॉट इनफ टू लीच बेसिक आयंस फ्रॉम सॉइल इन दिज एरियाज एज अ रिजल्ट एरियाज विथ हैवी रेनफॉल विल हैव मोर एसिडिक सॉयल वाइल एरियाज़ विद ड्राई क्लाइमेट्स विल हैव मोर एल्कलाइन सॉइल तो हम लोग देखते हैं जो हमारा ये था है ना ये पॉइंट जो हमारा एसिड साइल वाला जैसे कि जहाँ पे जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है उन एरियाज में क्या होता है जो सॉल्यूबल बेसिक सॉल्ट्स होते हैं उनका लीच आउट हो जाता है जैसे कि पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम और इनके पीछे क्या रह जाता है तो जो ऑक्साइड्स हैं सिलिकेट्स हैं ये सब रह जाते हैं ना जिनके कारण क्या होता है सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाती है क्लियर है इस कारण से जो हाई रेनफॉल वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे एसिड सॉइल फॉर्मेशन होता है ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि है एक्सप्लेन द डायगोनोसिस ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल बाय रिमोट सेंसिंग रिमोट सेंसिंग से जो प्रॉब्लमेटिक सॉयल है उसका डाइगोनीसिस हम लोग कैसे कर सकते हैं ठीक तो रिमोट सेंसर आर कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉयल ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द सॉयल बाउंड्री इज ईजिली आइडेंटिफाइड सॉयल इज़ अ नेचुरल कंपोनेंट मेड अप ऑफ मेनी अदर प्रॉपर्टीज एंड कंपोनेंट थैंकफुली रिमोट सेंसर हैव इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग प्रॉपर्टीज फाउंड इन सॉयल तो रिमोट सेंसिंग से हम लोग कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं जो रिमोट सेंसर्स होते हैं है ना वो सॉइल के जो डिफरेंट टाइप्स है उन सबको आइडेंटिफाई करने के कैपेबल होती है है ना और इस प्रॉपर्टी के कारण जो सॉइल की बाउंड्री है उसको हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं सॉइल क्या है तो ये एक नेचुरल कंपोनेंट है जो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारे कंपोनेंट से बना हुआ है सो तो, थैंकफुली जो रिमोट सेंसर है उसने क्या किया सॉइल की प्रॉपर्टीज़ जो सॉइल में पाई जाती हैं उसको जानने में हमारी हेल्प की है फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो कि है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉइल क्वालिटी एंड सॉइल हेल्थ सॉइल क्वालिटी क्या होता है और सॉइल हेल्थ क्या होता है तो सॉइल हेल्थ के बारे में भी हमने पार्ट बी में पढ़ा हुआ है है ना यहाँ पे हमको जानना है सॉइल क्वालिटी के बारे में और उन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है वो देखना है सो सॉइल हेल्थ इज़ द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर सॉइल टू फंक्शन contributing to the ecosystem services, soil quality is the inherent capacity of a particular soil to function, contributing to ecosystem services. Soil health kya hai jo soil ki actual capacity होती है, कि वो क्या कर सकता है, ecosystem में कितना contribute कर सकता, वो होता है हमारा soil health. और soil quality क्या है, तो जो soil में जो inherent capacity present है, वो होती है हमारी soil quality. ठीक है? फिर है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो कि है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड एसिड सल्फेट एसिडिक सोइल क्या होता है और एसिड सल्फेट सोइल क्या होता है सो एसिडिक सॉइल क्या है एन एक्सट्रीम केस ऑफ एसिड सोइल इज द एसिड सल्फेट सोइल थायोनिक फ्लूजोल्स एंड थायोनिक कैमिजोल्स देर आर टू मेन बेल्ट ऑफ एसिड सॉइल इन द ह्यूमिड नॉर्थन टेम्परेट जोन विच इज़ कवर्ड मेनली बाय कॉनीफेरस फॉरेस्ट एंड इन द्यूमिड ट्रॉपिक्स विच इज कवर्ड बाई सवाना एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो एसिड सॉइल क्या है जो एसिड सल्फेट सॉइल है है ना मतलब कि ऐसे सॉइल जिनमें सल्फेट जैसे कि थायोनिक हो गया फलविजोल्स हो गया था कैमिसोल्स इनका अमाउंट ज्यादा प्रेजेंट है ये तो वो हमारा एसिड सल्फेट सॉइल लेकिन एसिड सल्फेट सॉइल का भी एक्सट्रीम केस जब हो जाता है तब वो होता है हमारा एसिड सॉइल ठीक और हमारे एसिड साइल के दो मेन बेल्ट्स कहाँ हैं मतलब कहाँ है पाए जाते हैं तो जो नॉर्दर्न टेम्परेट जोन है है ना जो कॉनिफरस फॉरेस्ट से पूरी तरीके से कवर्ड है ठीक वो क्या है हमारा एसिडिक सॉइल है फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्सथ जो कि है डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीसीज इन द कंट्रोल इरोजन जो मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीसीज होते हैं उनका हम लोग सॉइल इरोजन उनके थ्रू हम लोग सॉइल इरोजन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है सो मल्टीपर्पज ट्रीज इन एग्रोफोस्ट्री कैन नील्ड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन फ्यूल वुड फॉर्डर एंड फ्रूट इन एले क्रॉपिंग रोज ऑफ़ ट्रीज आर प्लान्टलोजली टूगेदर बिटवीन रोज ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप दिस हैजो कैन रेड्यूज सॉयल इरोजन एंड वेन ट्रोन रेगुलरली प्रोवाइड वैल्यूएबल फ्यूल एंड फॉर्डर सो मल्टीपर्पज़ जो एग्रोफॉरेस्ट्री प्लांट्स हैं या फिर ट्रीज हैं है ना उनका हम लोग क्या कर सकते हैं पहली बात तो कि वो कंस्ट्रक्शन के लिए फ्यूल वुड के लिए इन सब के लिए क्या यूज़ होते हैं है ना दूसरा कि जब हम लोग एले क्रॉपिंग करें तो तो ट्री की रोज हैं उनको हम लोग पास पास में उगा सकते हैं जिसके कारण क्या होगा सॉइल इरोजन कम होगा है ना और जब हम लोग उनको प्रून करते हैं क्योंकि प्रून करना है बहुत ज़रूरी है तो जब उनकी प्रूनिंग करते हैं तो वो फ्यूल और फॉर्डर के लिए भी काम आ जाता है इस तरीके से मल्टीपर्पज़ ट्री जो है यूज़ होता है हमारे सॉइल कंट्रोल के सॉइल इरोजन के कंट्रोल के लिए फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन जो कि है एक्सप्लेन सेलिनाइजेशन एंड एरकलाइजेशन इन सेलिनाइजेशन क्या होता है और एल्कलाइनाइजेशन क्या होता है ठीक है तो सॉयल सेलिनेशन या फिर एल्कलाइनेशन इज अ सीरियस फिनोमिनन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस बायो क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड हाव एवर इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया ड्राई क्लाइमेट इज करेक्टराइज बाय स्कार रेन एंड हाई वपोरेशन विच कॉमनली एक्सलरेट द प्रोसेस ऑफ सॉल्ट एक्यूमलेशन ऑन द लैंड सर्फिस तो ये दोनों क्या है ये एक सीरियस फेनोमेना है है ना जिसमें जो बायो क्लाइमेटिक जोन्स हैं हमारे वर्ल्ड के वो क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ठीक है इनके थ्रू जो एरिड और सेमी एरियड एरियाज हैं ठीक जहाँ पे क्या होता है रेनफॉल बहुत कम होता है और एवोपोलेशन बहुत ज़्यादा होता है इस कारण से जो सॉल्ट है उसका एक्यूमलेशन हमारे लैंड सरफेस पे सॉल्ट जमा हो जाता है तो उसी कंडीशन को हम लोग सॉइल एल्कलाइजेशन या फिर सॉइल सेलिनेशन बोलते हैं ठीक है फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट जो कि है वाई जिप्सम इज अप्लाइड फॉर रिक्लेमिनेशन ऑफ एल्कलाइन सॉइल जो एल्कलाइन सॉइल होता है उनके ट्रीटमेंट के लिए या उनको सुधारने के लिए हम लोग जिप्सम क्यों यूज़ करते हैं ठीक तो ये बताना है हमको सो जिप्सम हैज़ बिन यूज फॉर सेंचुरीज टू रिक्लेम रिक्लेम सोडियम अफेक्टेड सॉयल दैट इज एल्कलीयल इट इज़ इफेक्टिव सिंस इट हैज़ गुड सॉलिबिलिटी रिगार्डल ऑफ सॉइल पी एच इन फैक्ट इट सॉलिबिलिटी इज इन्हैंस्ड इन सॉलिक सॉयल सम डाटा वुड सजेस्ट दैट द सोल्यबिलिटी ऑफ जिप्सम इज एल्कली सॉइल इज़ फोर टाइम्स ग्रेटर जिप्सम को बहुत सालों से हम लोग जो एल्ले एल्कलाइन सॉइल है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं क्यों यूज़ करते हैं जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया तो मेन रीज़न क्या है कि इसमें सॉल्यबिलिटी बहुत अच्छी रहती है और सॉइल पीएच को ये इंटरैक्ट नहीं करता है ठीक और जो सॉल्युबिलिटी है वही सॉइल की सोडिक सॉइल uh, को इन्हेंस करता है ठीक है इसीलिए जो जिप्सम की सॉल्युबिलिटी है ये चार गुना ज़्यादा होता है हमारे एल्कली सॉइल से इसीलिए हम लोग जिप्सम को सलाइन सॉइल के रिकलेमेशन के लिए यूज़ करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइन जो कि है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फ्लडिंग ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज एंड प्लांट ग्रोथ जो फ्लड आता है है ना उसकी सॉइल की प्रॉपर्टीज पे और प्लांट की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है सो so, क्या है द पुअर सॉइल इरेशन इन फ्लडेड सॉइल इज़ अकम्प्लीस्ड नंबर ऑफ सॉइल एंड प्लांट चेंजेस दैट एडवर्सली इन्फ्लुएंस ग्रोथ इसको दिया था हमारे कोच लोवस्की ई टेल ने नाइनटीन नाइन्टी वन में सॉरी अल्ट्रेशन इन सॉइल स्ट्रक्चर इंक्लूड ब्रेक डाउन ऑफ एग्रीगेट्स डीफ्लोकलेशन ऑफ क्ले एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंटिंग एजेंट ठीक है सो फ्लडिंग क्या हो फ्लडिंग का इफेक्ट क्या होता है तो सॉइल में जब पूरी तरीके से पानी भर जाएगा जिस कारण से क्या होता है उसकी एरेशन कैपेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है ठीक जो कि प्लांट के ग्रोथ को बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट डालता है मतलब उसके लिए सही नहीं है दूसरा इस चीज़ को बताया था हमारे कोच लोवल्सकी ने नाइनटीन नाइन्टी वन में फिर सॉइल की जो स्ट्रक्चर है उसमें अल्ट्रेशन आ जाता है जो ब्रेक एग्रीगेट्स हैं सॉइल के उनमें ब्रेक डाउन आ जाता है डीफ्लोकलेशन ऑफ के हो जा क्ले हो जाता है और सीमेंटिंग एजेंट्स हैं सॉइल की उन सब का डिस्ट्रक्शन भी इस कारण से होने लगता है ठीक है अब सॉइल प्रॉपर्टीज़ पे ये इफेक्ट हो गए अब जब सॉइल की ही प्रॉपर्टी ख़राब हो जा रही तो हमारे प्लांट ग्रोथ सही से कैसे होगा तो प्लांट ग्रोथ भी डिमिनाइज होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टेंथ जो कि है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सॉइल एसिडिटी ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिय सॉइल एसिडिटी का प्लांट के न्यूट्रिय पर क्या अफेक्ट पड़ता है तो देखते हैं

कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो बढ़ जाते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एलेवन जो कि है गिव द नेम ऑफ सॉइल क्वालिटी इंडिकेटर सच सजस फिजोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल सॉइल के जो क्वालिटी इंडिकेटर हैं मतलब किन किन कारणों से किन किन फैक्टर्स से हमको सॉइल की क्वालिटी पता चलती है चाहे वो फिज फिज फिजिकल इंडिकेटर हो केमिकल इंडिकेटर हो या बायोलॉजिकल इंडिकेटर हो है ना इन प्रॉपर्टीज़ के इंडिकेटर को हमको बताना है तो ये क्या क्या है सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिकल इंडिकेटर्स क्या हैं ठीक है तो जो ई के बारे में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना फिर दूसरा सॉइल नाइट्रेट सॉइल रिएक्शन मतलब कि जो सॉइल की पीएच के बारे में हमने पढ़ा और ईसी के बारे में पढ़ा ये दोनों सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करती हैं मतलब कि क्या हो गया कि ये दोनों क्या हैं केमिकल इंडिकेटर हैं फिर जब हम लोग बात करते हैं फिजिकल इंडिकेटर की तो उसमें क्या क्या आता है एग्रीगेट स्टेबिलिटी अवेलेबल वाटर कैपेसिटी बल्क डेंसिटी इनफिल्ट्रेशन स्लेकिंग, सॉइल क्रस्ट सॉइल स्ट्रक्चर एंड माइक्रोपोर्स ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बताती हैं फिर है हमारे पास बायोलॉजिकल इंडिकेटर तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर में क्या आएगा अर्थ पर्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर पोटेंशियली मिनरलाइजेशन नाइट्रोजन रेस्परेशन सॉइल एनजाइम टोटल ऑर्गेनिक कार्बन ये सब क्या है सॉइल की ऑर्गेनिक या फिर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करती हैं या इन्हेंस करती हैं फिर है हमारे पास पार्ट सी का लास्ट क्वेश्चन जो कि है एक्सप्लेन द कंट्रोल ऑफ सॉइल पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन या कंट्रोल हम लोग कैसे कर सकते हैं तो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट रिफॉरेस्टेशन रीयूजिंग ऑफ मटेरियल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सॉलिड जो वेस्ट हैं उन सब का ट्रीटमेंट कर सकते हैं रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं जो मटेरियल्स हैं उनका री करके कर सकते हैं और ऐसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो कि सस्टेनेबल है मतलब जिनका हार्म हमारे इन्वामेंट में ना हो उन प्रैक्टिसेस को अपना के हम लोग सॉयल की पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं क्लियर है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट डी एंड पार्ट डी में हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी यूटिलिटी के बेस पे हम लोग को लैंड का क्लासिफिकेशन करना है तो मेनली चार क्लासेस में डिवाइडेड होता है जैसे कि हमने पहले भी पार्ट बी एम पार्ट ए में देखा है है ना क्या क्या होते हैं क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री क्लास फोर जो क्लास फोर है ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए अलाउ करता है हमको ठीक है क्लास वन क्या है सॉइल सेब स्लाइट लिमिटेशन देयर टू रिस्ट्रिक्ट देयर यूज़ इनमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं जिनके कारण हम लोग इनको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते सेकंड है सॉइल हैव मॉडरेट लिमिटेशन दैट रेज्यूस चॉइस ऑफ प्लांट्स एंड रिक्वायर मॉडरेट कन्जरवेशन प्रैक्टिस इनमें कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण हम लोग को कंजर्वेशन प्रैक्टिस अपनाने पड़ते हैं और प्लांट की जो चूज़ कर सकते हैं हम लोग वो प्लांट कम हो जाते हैं हम लोग कुन कुछ कुछ प्लांट्स को हम लोग चूज़ कर सकते हैं फिर है हमारे पास थर्ड इन क्या होता है बहुत सारे लिमिटेशनस होते हैं जो कि चॉइस ऑफ प्लांट्स को बहुत कम कर देते हैं और हमको स्पेशल कंजर्वेशन प्रैक्टिस अपनाना पड़ता है ठीक है फिर है हमारे पास ये बेसिकली आपके यूटिलिटी के अकॉर्डिंग चार क्लासेस हुए और अगर हम लोग पूरे क्लास देखते हैं तो सॉइल हमारे आठ क्लास में डिवाइडेड रहता है जो पहला चार है उन सब में हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर सकते और जो लास्ट फोर फर्स्ट फोर एंड लास्ट फोर का नाम दिया गया है इसको है ना क्या नाम दिया गया है फर्स्ट फोर लास्ट फोर इनमें हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर सकते इनमें हम लोग कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास गिव द रीज़न फॉर सॉइल पॉल्यूशन एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज सॉइल के पॉल्यूशन का क्या क्या रीज़न है है ना और सॉइल प्रॉपर्टीज पे उनका क्या इफेक्ट पड़ता है रीजंस देखते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया जिसके कारण इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे कि स्लैग uh, वगैरह जो निकलता है है ना उन कारण सॉइल में हम लोग उनको डंप करते हैं तो उस कारण होता है जो हार्मफुल वाटर होता है वो रिलीज़ कर देते हैं उस कारण होता है फिर हो गया एसिड रेन जब जो रेन वाटर होती है उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है है ना तो हमारे सॉइल पे ही लीच आउट होगा ना वो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही हो गई ही वो खत्म होगा एग्जॉस्ट होगा या सॉइल ही अब्जॉर्व करेगा इस कारण सॉइल में पॉल्यूशन होता है क्योंकि सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाएगी माइनिंग ये आपको पता ही है बेसिक रीजन है ये फिर जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं उनके कारण होता है फर्टिलाइजर्स के कारण लैंड ऑयल स्पिल ऑन ह्यूमन हेल्थ डिफॉरेस्टेशन सीपेज वेस्ट डिस्पोजल वेस्ट डिस्पोजल इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर केमिकल वेस्ट डंपिंग पेस्टिसाइड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कॉन्टामिनेटेड वाटर सेप्स इन टू द ग्राउंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन सॉइल इरोजन इंटेंशनल इंजेशन ऑफ सॉइल रक्चर ऑफ ग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक सॉइल कॉन्टामिनेशन ये सब क्या है रीज़न है हमारे सॉइल में पॉल्यूशन होने के और सॉइल पे फिर पूछा गया है कि इनका इफेक्ट क्या पड़ेगा जब सॉइल का पॉल्यूशन हो रहा है तो ऑबियस सी बात है कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज खराब हो रही हैं स्ट्रक्चर खराब हो रहा है ट्रक्चर खराब हो रहा है पोरोसिटी ख़राब हो रहा है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो रहा है फर्टिलिटी डिक्रीज हो रहा है ये सब क्या है इफ़ेक्ट है ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री जो कि है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी सॉइल जो एक हेल्दी सॉइल होता है उन उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है है ना गुड सॉइल टेल्थ गुड सॉइल ड्रेनेज लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सफिशियंट लेवल ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिय एंड लो वीट प्रेशर जो एक गुड सॉइल होता है है ना जो एक हेल्दी सॉइल होती है उसकी जो टिल्थ होती है वो ज़्यादा होती है ड्रेनेज कैप जो ड्रेनेज फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनका पॉपुलेशन लार्ज रहता है उसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं ये सफिशिएंट लेवल में प्रेजेंट होता है बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं लेकिन सफिशिएंट लेवल में प्रेजेंट होते हैं फिर जो वीड प्रेशर है वो बहुत कम होता है मतलब वीड इन्फेस्टेशन भी लो रेट में होता है फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो कि है डिस्क्राइब द प्रॉब्लमेटिक सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़ एंड देयर मैनेजमेंट छत्तीसगढ़ में जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हैं उनको बताना है और उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं पहले तीन मेजर प्रॉब्लमेटिक सॉइल हमारे छत्तीसगढ़ में जो कि है एल्कली सॉइल सलाइन सॉइल एसिडिक सॉयल जो एल्कलिक सॉइल है ये जो इंडो इंडोगैंगटिक प्लेन्स हैं ना जैसे कि जो स्टेट्स यहाँ पे लिखे गए हैं इन सब में पाया जाता है ठीक सलाइन ऑयल नीचे दिए गए स्टेट्स में पाए जाते हैं और एसिडिक सॉइल क्या है गुजरात पंजाब राजस्थान इन सब में पाए जाते हैं ठीक है अब इन सब का मैनेजमेंट कैसे करेंगे जैसे कि हमने पहले पढ़ा जो सलाइन ऑयल है वो हम लोग लीचिंग से मैनेज करते हैं एल्कलिक सॉयल का हम लोग बेसिक रिएक्शन जिप्सम वगैरह से मैनेज करते हैं जो एसिडिक सॉइल है लाइम वगैरह से इनका मैनेजमेंट हम लोग करते हैं तो ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो कि है डिस्क्राइब द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्कली सॉइल एंड दियर मैनेजमेंट एलकली सॉइल क्यों तो फॉर्मेट होता है और उसकी मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं ठीक है सो देर मस्ट बी इनफ नेचुरल ड्रेनेज टू द अंडरग्राउंड और एल्स एन आर्टिफिशियल सब ड्रेनेज सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट टू परमिट लीचिंग ऑफ द एक्सेस सोडियम बाय परकुलेशन ऑफ रेन एंड इरीगेशन वाटर थ्रू द सॉइल प्रोफाइल कैल्शियम क्लोराइड इज ऑल्सो यूज टू रिक्लेम एल्कली सॉइल ये आपको यहाँ पे ये क्या है मैनेजमेंट है और फॉर्मेशन कैसे होता है तो हमने पहले ही देखा है पिछले क्वेश्चन में कि फॉर्मेशन कैसे होता है तो रेन वाटर के कारण या फिर रेन के कारण इनका फॉर्मेशन होता है और मैनेज हम लोग कैसे करेंगे तो जो अंडरग्राउंड नेचुरल ड्रेनेज है उसको इम्प्रूव करेंगे आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम भी बनाएंगे ताकि लीचिंग अच्छे से हो सके ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन सोइल सलाइन सोइल का रिक्लेमेशन हम लोग कैसे करते हैं तो सलाइन सोइल के नॉट बी रिक्लेम्ड बाय केमिकल अमेंडमेंट कंडीशनर्स और फर्टिलाइजर्स अ फील्ड कैन ओनली बी रिक्लेम रिक्लेम बाय रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम द प्लांट रूट जोन इन सम केसेस सेलेक्टिंग सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप मे बी नीडेड इन एडिशन टू मैनेज साइल पिछले पार्ट सी के क्वेश्चन में हमने तीन मैनेजमेंट प्रैक्टिस देखे थे सलाइन ऑयल के हमने पढ़ा हुआ भी है कि सलाइन ऑयल्स को हम लोग किसी भी अमेंडमेंट्स या एडिटिव के थ्रू नहीं रिक्लेम कर सकते हैं जैसे कि एसिडिक एसिडिक्सल का हम लोग क्या करते हैं जिप्सम वगैरह लाइम वगैरह ऐड करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं पर जो सेलायंस ऑयल है इनका एडिटिव्स के थ्रू हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते किसी भी फर्टिलाइजर से नहीं कर सकते किसी भी कंडीशनर से नहीं कर सकते हैं एक तरीका इसका ये है कि हम लोग जो प्लांट का जो रूट जोन है वहाँ से सॉल्ट को रिमूव करें तो हमने पिछले में देखा था सबसे पहले मेजर हमने क्या देखा पहला मेजर हमने देखा था लीचिंग का ठीक है दूसरा हमने देखा था लीचिंग के साथ हम लोग क्या कर रहे थे अमेंडमेंट कर रहे थे मतलब कि ड्रेनेज प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर रहे थे थर्ड हमने क्या देखा था कि जो इम्प्रूव वे था कि ड्रेनेज के साथ साथ जो पहले और दूसरे मेजर हैं उनके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स का सिलेक्शन करते हैं जो क्या जो क्या करें जो सॉल्ट टॉलरेंट हो और उनके ग्रोथ के साथ साथ सॉल्ट के लेवल भी हम लोग बाद में जब क्रॉप की हार्वेस्टिंग के साथ साथ एग्जॉस्ट कर सकते हैं तो ये तरीका होता है आपके सलाइन सॉइल का मैनेजमेंट का फिर है हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है डिस्क्राइब द कॉन्स्टेंट्स एंड स्ट्रेटजी फॉर इम्प्रूविंग सॉइल क्वालिटी सॉइल क्वालिटी की किन किन स्ट्रेटजीज का यूज करके हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं सो so, क्या क्या है हमारे पास इन्हेंस ऑर्गेनिक मैटर अवॉइड एक्सेसिव टिलेज मैनेज पेस्ट एंड न्यूट्रियट एफिशियनटली प्रिवेंट सॉइल कॉम्पैक्शन कीप द ग्राउंड कवर डाइवर्सिफाई क्रॉपिंग सिस्टम सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का लेवल इंक्रीज करके टीलेज प्रैक्टिस बढ़ा के जो पेस्ट है और न्यूट्रिएंट है उनका एफिशिएंटली मैनेजमेंट करके सॉइल कॉम्पेक्शन से प्रिवेंट करके जो ग्राउंड है उसको कवर्ड करके और क्रॉपिंग सिस्टम को एक डाइवर्सिफाइड पैटर्न में अपना के हम लोग जो सॉइल की क्वालिटी है इन सब को बढ़ा सकते हैं और कांस्टेंट में क्या आता है तो जो भी परेशानियां हमको आती हैं तो परेशानियां क्या आएंगी सॉइल की नेचर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना प्लस सीजन ये सब क्या है कॉन्सटेंट्स में आते हैं सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स लाइक टू माई वीडियोज़ और अगेन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट डी के जो भी क्वेश्चन हैं जैसे कि मैंने आपको इन सब को बहुत शॉर्ट में लिख करके दिया है पर आपको एग्ज़ाम में एक अच्छे लेंथ में इसको लिखना है ना जो भी वर्ड्स मैंने एक्सप्लेशन के टाइम पर यूज़ किए हैं आपको उन सब पे फोकस करके आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन को अटेंड करना है So best of luck for your exam. Thank you so much and please subscribe to my channel and like to my videos. Thank you.